अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज अब स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 23। आज के इस लेसन में हम ग्रेडियंट और हैच के ऊपर काम करेंगे। हैच कमांड क्या होती है और ग्रेडियंट कमांड क्या होती है, उसे किस तरह अप्लाई करते हैं। आज के लेसन में हमने देखना है फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट हैच कमांड, ग्रेडियंट कमांड, हैच और ग्रेडियंट का पर्पज़ मकसद क्या होता है और हाउ टू हैच एंड ग्रेडियंट द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट हो, हैच या ग्रेडियंट आप किस तरह बना सकते हैं, किस तरह दे सकते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा। तो ग्रेडियंट कमांड अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है जी, हैच है, ग्रेडियंट और बाउंड्री है, ये कमांड्स हैं। उसके अलावा आपको अब ड्रॉप में जाएं और ड्रॉप में भी आपको ग्रेडियंट बाउंड्री नज़र आ रहा होगा और हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री तीनों आपको नज़र आ रहे होंगे। शार्ट कमांड होती है ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट के लिए पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर। पहले बाउंड्री का ऑप्शन भी दे बताता हूँ, बाउंड्री क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लाइन, लेता हूँ एल, एंटर करता हूँ। एल एंटर करता हूँ, अब ये जो मेरे पास लाइन है, देखें हर एक लाइन अलग अलग से, तो यहाँ पे इसके अंदर ग्रेडियंट नहीं होगा। इसके लिए मैं ग्रेडियंट को अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल जी आर ए एंटर करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं हो रहा जिसमें मैंने ग्रेडियंट देना है। देखें इस पर कोई ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एक पॉइंट करूँ, पिक पॉइंट करता हूँ, आ जाते हैं, फिर गायब हो जाएगा। क्यों? अभी ये तो हमारे पास पिक पॉइंट पे अप्लाई हो गया, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइन पे कन्वर्ट होता है, हमारे पास सिर्फ लाइन में होता है। तो इसको बाउंड्री देनी होगी। बाउंड्री के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें, बाउंड्री पे क्लिक करें, पिक पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और इसके सेंटर पे आप क्लिक कर दें। अब देखें सारे के सारे एक बार सिलेक्ट हो गया। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ मेरे पास ये वाला हिस्सा सिलेक्ट हो रहा है। डिलीट कर दो, सिर्फ एक हिस्सा बन गया। तो आप इसके ऊपर बाउंड्री अप्लाई करते हैं। आप चाहते हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्ट, ये लाइन सारी की सारी मिल जाए और एक रेक्टेंगल बन जाए। जैसे कि आपका रेक्टेंगल है, फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ तो एक पूरा रेक्टेंगल यहाँ पर देखें सेलेक्ट हो जाता है, नज़र आ रहा है आपको। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। अब इस पर अप्लाई करना मुश्किल होता है, तो मैं मूव करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर नज़र आए और दोनों में फ़र्क नज़र आए। अब मैं फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। ग्रेडियंट अप्लाई किया, सॉरी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। देखें इसके ऊपर एकदम से जो ही मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मेरे पास ग्रेडियंट आ गया। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप, ग्रेडियंट आ गया। जबकि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नहीं आता, तो जब तक मैं सारे सारे ऑब्जेक्ट को इस तरह सेलेक्ट नहीं करूँगा, फिर भी मेरे पास यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये होता है ग्रेडियंट और इसका फंक्शन होता है। आप ग्रेडियंट इस पर भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं पहले बाउंड्री अप्लाई करूँगा। तो बाउंड्री के लिए आप इसको सिलेक्ट करें, बाउंड्री पर क्लिक करें, एक पॉइंट पर क्लिक करके इसे सेंटर में क्लिक करके तो राइट क्लिक कर दें। अभी देखें इसकी बाउंड्री बन गई, आप देख सकते हैं। अब जब मैं इसको मूव करता हूँ ना, एम इंटर करता हूँ, तो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट जो पीछे वाला रह गया और ऊपर इसके ऊपर ये बाउंड्री एक और अलग से चढ़ गई, इसको आप डिलीट कर दें। और ये जो बाउंड्री है आपकी, जो मूव कर दें, देख सकते हैं अब ये भी रेक्टेंगल बन गया और ये भी रेक्टेंगल है। मीन ये बाउंड्री का ये फंक्शन होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट किया हुआ है तो उसको आप एक ही बना सकते हैं। जैसे कि अब फिर मैं दोबारा एल इंटर करता हूँ, लाइन करता हूँ इंटर, या फिर प्रेस करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट आ गया। देखें अलग अलग है, इसके भी हैच ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, बाउंड्री, और बी बाउंड्री की जो शॉर्ट कमांड है वो है बी ओ एंटर, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट क्लिक करें और राइट क्लिक कर दें आप फिर दोबारा।
बाउंड्री हो गया देख सकते हैं आप, और इस बाउंड्री को आप मूव करें यहाँ पे तो अलग हो गया, इसको आप उठाएं, उठा के एम एंटर सेलेक्ट, ये अलग गया और पीछे वाली ये वाली ऐसा अलग हो गया, तो ये बाउंड्री आपकी देख सकते हैं बन गई है। तो इसके ऊपर आप हैच कमांड अप्लाई करेंगे, तो एच एच के लिए एच होता है, एच एंटर करें और सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, देखें इसके ऊपर हैच अप्लाई हो गया डायरेक्ट। तो ये हैच है और बाउंड्री का ये फंक्शन होता है। अब मैं हैच और हैच कमांड पे काम करता हूँ, हैच के ऊपर और ग्रेडियंट के ऊपर काम करता हूँ। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं हैच अप्लाई करता हूँ, तो हैच के लिए हैच एंटर करें, सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को या फिर यहाँ पे पिक पॉइंट करें, देखें यहाँ से सेंटर से ये पिक पॉइंट हो गया, सिलेक्ट हो गया आपका, या फिर आप हैच अप्लाई करने के लिए हैच एंटर जो ही करेंगे, और आपके पास देखें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आर यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखें पिक पॉइंट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आर पिक इंटरनल पॉइंट अनडू सेटिंग, आप जिसमें भी जाएंगे आप सेटिंग के लिए टी प्रेस करें, तो इसकी देखें सेटिंग आ गया हैच और ग्रेडियंट की, आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप हैच ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही टेक्निक से हैच और ग्रेडियंट की जो यहाँ पे अप्लाई की हुई है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ तो आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगी। अब मैंने हैच अप्लाई करना है, तो हैच के लिए अब मैं देखें यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल दिए हैं हैच के लिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया, इसको हैच अप्लाई हो गया। अब इस हैच में हमारे पास देखें काफ़ी सारे स्टाइल हैं, देख सकते हैं इससे ऐसा लगता है कि कोई ये देखें फिलिंग की हुई है, किसी रेत से, बजरी से, किसी भी चीज़ से फिलिंग की हुई आपके ऑब्जेक्ट पे, ये स्टाइल है, काफ़ी सारे स्टाइल हैं, आप यहाँ से हैच या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इस तरह लग रहा है इंट है, इसका आप साइज़ कम करना है, ज़्यादा करना है, आप साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे आप देखें पैटर्न है, आप ग्रेडियंट है, सॉलिड है, मैं सॉलिड पे क्लिक करता हूँ सॉलिड कलर आ जाएगा, सॉलिड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पे क्लिक करें, आप ग्रेडियंट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, देखें हैच और ग्रेडियंट साथ ही आ गया हमारे पास, देखें ग्रेडियंट भी अप्लाई हो सकता है। पैटर्न अप्लाई करना है, पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, अभी हमने पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, पैटर्न में ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी आपने कम करनी है, 45 है, 0 करता हूँ मैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं देता, देखिए आपके पास कितना ज़्यादा हमारे पास बिल्कुल उभरा हुआ ऑब्जेक्ट आ गया। और इसको मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ जी 90% ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, क्लिक करें बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी में इसको यहाँ से आप मूव करें ना, यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एंगल है, एंगल 45 है, 45 की जगह आप 0 करें, देखें 0 पे आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें इसके बीच में, यहाँ पे आप 0 कर दें 0 आ जाएगा, 45 करना है 45 कर सकते हैं। इसको मैं 2 करता हूँ डिस्टेंस, ये जो हमारे पास साइज़ है देखें बहुत बड़ा साइज़ है, 2 करता हूँ एंटर करता हूँ, साइज़ कम हो गया, और देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्टाइल, देखें स्टाइल आ गया हमारे पास। सेट ओरिजिन पे क्लिक करें तो हमारे पास ओरिजिन सेट हो जाएगा। और ये था जी आपका ग्रेडियंट, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पैटर्न्स यहाँ पे दिए हुए, बाउंड्रीज दी हुई हैं, व्यू एंटर। अब दूसरा काम जो था तो इसकी सेटिंग्स का था, तो सेटिंग्स के लिए हमने, मैं आपको बताता हूँ सेटिंग्स के लिए आपने क्या करना है, मैं टी प्रेस करता हूँ, अब देखें हैच आ गया। अब सेटिंग में भी वही है, टाइप दे दें, यूज़र डिफाइंड है, कस्टम है, कस्टम स्टाइल है, यहाँ पे कलर देते हैं, कलर दे सकते हैं आप, ये यहाँ पे जाए ना, देखें स्टाइल है, ये वाला स्टाइल दे दें, ओके करें, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करें, देखें पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, सेटिंग के लिए टी एंटर, टी द्वारा प्रेस करता हूँ दोबारा ये आ जाएगा, और इसका स्टाइल चेंज करते हैं, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, येलो स्टाइल देता हूँ, ओके करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, पीछे स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब इसका ये स्टाइल तो चेंज हो गया, लेकिन इसका कलर यहाँ पे ये वाला दे दिया इसने, और ये हमें नज़र नहीं आ रहा सही, तो इसके लिए आप यहाँ से क्या करें, इसको साइज़ बढ़ा दें, 2 है 10 करता हूँ मैं, देखता हूँ जी हमारे पास अप्लाई होगा, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, अब जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे स्टाइल स्टाइल बढ़ता जाएगा, देख सकते हैं।
तो जो आपको सही नजर ना आए तो आप यहाँ से उसका एंगल, उसकी स्केल जो है, तो पैटर्न का जो स्केल है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, तो आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, फिर और एंगल बढ़ाना है, स्केल बढ़ाना है, 50 स्केल में दिया हुआ है, एंगल 0 दिया हुआ है, ये वही चीज़ें देखें, स्केल है, एंगल है, ये सारी चीज़ें वही हैं। फिर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ग्रेडियंट में आप टू कलर देते हैं, दो कलर आपने कोई भी टू कलर का मिक्सचर बना के आप दे सकते हैं इसको। ओके, प्रीव्यू करें ज़रा, टू कलर का मिक्सचर आ गया, देखें ग्रेडियंट आ गया। अब यही ग्रेडियंट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं ग्रेडियंट और इन चीज़ों के अप्लाई की। देखें, ओके, ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब ग्रेडियंट में भी आपने कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कलर चेंज करें और वहाँ से भी आप कर सकते हैं काम। ग्रेडियंट की भी ट्रांसपेरेंसी आपने 0 है, 0 कर दें इसको, 0 आ जाएगी, एंगल 0 कर दें इसका, यहाँ से अपने स्टाइल चेंज करना, चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी आपका हैच में ग्रेडियंट, और इसका ऑप्शन था ग्रेडियंट के लिए जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है GRA, ग्रेडियंट के लिए अप्लाई होता है, और हैच के लिए H एंटर करें, हैच के लिए अप्लाई होता है। उसके लिए आप यहाँ से भी आप जाके हैच और ग्रेडियंट आप ले सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करें और हैच और ग्रेडियंट है, क्लिक करेंगे ग्रेडियंट आ जाएगा सामने, यहाँ से आप स्टाइल दें जो भी आपको अच्छा लगता है, पिक पॉइंट करें और स्टाइल दे दें यहाँ से, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है बढ़ा दें, कम करनी है कम कर दें, तो यहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये था जी आपका हैच और ग्रेडियंट का ऑप्शन था। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, हैच किस तरह अप्लाई करते हैं, ग्रेडियंट किस तरह अप्लाई करते हैं। इन चीज़ के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, कहीं से कोई मसला है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके। और ग्रेडियंट और हैच अप्लाई किस लिए होता है, ये आप फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसकी फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाह रहे हैं कि सामने से कैसा नज़र आएगा, उसकी जो दीवारें वगैरह हैं अगर उनको आप फॉर एग्जाम्पल में आप ईंट आप देखना चाह रहे हैं कि इस पर अगर पत्थर लगे तो कैसा नज़र आएगा, ईंट लगे तो कैसा नज़र आएगा, उसके लिए आप ये ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ग्रेडियंट्स के प्लगिंग्स भी होते हैं जो कि आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं, इनमें मुख्तलिफ कलर आप दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर टेक्सचर है, टेक्सचर आप अप्लाई करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई खिड़कियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, विंडोज़ वगैरह बनाई हुई हैं, आप विंडोज़ के ऊपर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हमें एक मिरर अप्लाई करना है, मिरर का कलर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, मिरर के लिए आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑटोकैड जो होता है, ऑटोकैड में आप ज़्यादा मॉडलिंग जो आप करते हैं एडवांस मॉडलिंग, उसमें आपको एक्यूरेट आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मिरर बनाना है तो मिरर नहीं बनेगा ऑटोकैड में, उसके लिए ऑटोकैड से एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं 3D स्टूडियो मैक्स। 3D स्टूडियो मैक्स जो होता है वो कंप्लीट आपकी जो ड्राइंग है जो भी चीज़ है उसमें बिल्कुल कंप्लीट उसके मिरर भी बना सकता है। आपने अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कॉटन वगैरह, कोई पर्दे वगैरह आपने वहाँ पे लटकाए हुए, आप चाहते हो बिल्कुल वैसा स्टाइल आ जाए उसका, उस स्टाइल आ सकता है, चेयर्स बन सकती हैं। तो ये जो एडवांस मॉडलिंग होती है वो 3D स्टूडियो मैक्स में होती है। ऑटो कैड में हम सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, चीज़ को बनाते हैं, उसमें जो रेंडरिंग, उसमें जो कलर और उसमें जो मटेरियल अप्लाई किया जाता है वो 3D स्टूडियो मैक्स में अप्लाई किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आपको स्टूडियो मैक्स के बारे में पता चल गया होगा कि स्टूडियो मैक्स होता क्या है। उसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं स्टूडियो मैक्स के अलावा भी, जैसे कि आपने मटेरियल्स वगैरह के लिए हमारे पास एक होता है, उसे कहते हैं वीरे सॉफ्टवेयर होता है, VRAY, वीरे सॉफ्टवेयर होता है, वो भी अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा 3D स्टूडियो मैक्स तो बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, उसमें एडवांस मॉडलिंग होती है, करेक्टर एनिमेशन वगैरह उसमें बनती हैं। तो ये आपने ऑटोकैड जो बेसिक होता है, अब ऑटोकैड जो होता है ये आपका ऑटो डेस्क कंपनी है उससे रिलेटेड है, ऑटो डेस्क का ही, 3D स्टूडियो मैक्स भी ऑटो डेस्क का ही एक सॉफ्टवेयर है, माया भी ऑटो डेस्क का ही सॉफ्टवेयर है। ये जो 3D सॉफ्टवेयर है मॉडलिंग के लिए एडवांस यूज होते हैं, सारे के सारे ऑटो डेस्क के सॉफ्टवेयर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आपने ऑटो डेस्क क्या है और उसके अलावा उसके उसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं ऑटो डेस्क के, आपको इन सब चीज़ों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेसन ही मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।